नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है प्रीवियस वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि सर किस तरीके से हम लोग को सैलरी जो चेकआउट करना है, अटेंडेंस कहाँ से हम देख सकते हैं, उसके बाद हमारा पेमेंट स्टेटस जो है वो किस तरीके से जो हम लोग चेकआउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन अभी भी यहाँ पर जो इन लोग का पेंडिंग बता रहा है वो लोग क्या करें। तो जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी आपके क्वेश्चन थे, उन सब के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में आवेदन किया था तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल फ्रेंड्स मिस ना हो जाए। तो चलते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर, सारी चीज़ यहाँ पर जो भी अपडेट्स है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी जॉब अपडेट वीडियो मिस ना जाए, सबसे पहले आपको जॉब अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास है, ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर मैं ऑल गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। जैसे आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है आपको एक न्यू अपडेट देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,331 कुल यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिसमें आप कुल प्राकर्षित पद देख सकते हैं कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग काफ़ी तेज़ी से चल रही है, इसमें अभी भी यहाँ पर जो है काफ़ी लोग ज्वाइन हुए हैं इसी वीक। ठीक है, तो आप लोग अभी भी आपका अगर पेंडिंग बता रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन, तो आप उसको अच्छे से चेक कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आप लोग का यहाँ पे जो है सिलेक्शन हो गया। काफ़ी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने 10-15 दिन से यहाँ पर चेक ही नहीं किया हुआ और बाद में उनको पता चला कि उन लोग का अप्रूव हो गया था, और फिर बाद में उन लोग को काफ़ी टाइम बाद पता चला, जिससे उनसे जो बाद में उन लोग का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो इस तरीके से आप चेकआउट पहले कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या इसमें अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो हाँ पहले बिल्कुल रजिस्ट्रेशन हो रहा था, पर अभी यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकली इसका न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करके देखा है। कम से कम मेरे को हो गएंगे 10 से 15 दिन। ठीक है, अगर मैं इस पर यहाँ पर सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा, खुद यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन करके देखूंगा एक स्टूडेंट का, फिर आपको फाइनली बताऊंगा कि अभी यहाँ पर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता। अब यहाँ पर जो है सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से सैलरी चेकआउट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर जो है आप लोग कहाँ से जो है आपका अटेंडेंस देख पाएंगे। तो लॉग इन यहाँ पर पहले आपको कर लेना है। ठीक है, जो भी आपकी आईडी है, आपको आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा, ये तीनों चीज़ एंटर कर लेना है, फिर आप लोग यहाँ पर जो है फॉर्म के अंदर चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं उपस्थित व भुगतान की स्थिति देखें, यहाँ पर आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, नीचे साइड। ठीक है, इस पर आपको यहाँ पर जो है सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी, कौन सी कंपनी में यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे उसका पता है, कितने दिन आपका यहाँ पर जो हुआ है, ज्वाइनिंग कब से हुई है, DBT की स्थिति क्या है, आपका यहाँ पर जो है इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपके इसमें ज्वाइनिंग तिथि क्या है, सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको सिर्फ ईयर सेलेक्ट करना होगा, मंथ यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे आप अगस्त से ज्वाइनिंग है तो अगस्त, या फिर आप सेप्टेम्बर सेलेक्ट कीजिएगा, सर्च करेंगे सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी आ जाएगी। उसके बाद उपस्थिति व भुगतान की स्थिति भी यहाँ पर आप चेकआउट कर पाएंगे, जिससे यहाँ पर आपको आपका पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा, कितने दिन आप अवेलेबल रहे यहाँ पर, कितने दिन आपका यहाँ पर जो आपने कार्य किया है, कुल यहाँ पर जो है आपको 75% जो गवर्नमेंट से आया वो कितना यहाँ पर आ चुका है, और जो आपकी कंपनी ने डाला है वो कितना आ चुका है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स, इससे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आपका कितना स्टाइफंड आपके अकाउंट में आ रहा है। जिन लोग का अभी भी यहाँ पे जो है नहीं आया है सैलरी, तो आपको क्या करना है, आप लोग यहाँ पर जो है हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं और डिटेल्स बता सकते हैं कि हमारा अभी भी जो है यहाँ पर पैसा नहीं आया हुआ है। कंपनी में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि जिन्होंने अटेंडेंस भेजी है उन लोगों ने अटेंडेंस आपकी छोड़ तो नहीं दी, अटेंडेंस सही भेजी, कहीं गलत तो नहीं भेजी, इस तरीके से ये सारी चीज़ आपको क्लियर कर लेना है। और DBT के बारे में पहले भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि DBT अगर आप लोग ऑन कराएंगे तो ही यहाँ पर जो है आपके पास पैसा आएगा, अगर आपने DBT ऑफ रखा है और पैसा सेंड कर दे तो आपका यहाँ पर जो है पैसा नहीं जाएगा। तो आपको DBT जो है वो ऑन करा लेना है फ्रेंड्स, ये चीज़ यहाँ पर जो है आप लोग को इसका ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी अगर इसमें और भी कोई न्यू अपडेट आएगी, ठीक है, या फिर कोई चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पर जो है मैं आपको इस पर अप टू डेट जो है देता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा रजिस्ट्रेशन के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पर जो है मैं आप लोग को बता दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर जिन लोग का अभी भी पेंडिंग बता रहा है काफ़ी टाइम से और स्टेटस यहाँ पर जो उनका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग मेल आईडी पे जाकर जो है एक मेल सेंड कर सकते हैं, प्लस आप कॉल भी कर सकते हैं, जो कि आप मॉर्निंग में कॉल करिएगा तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।